तीन महीने में आसमान को छूने वाला प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनेगा। चंदन है इस देश की माटी। अवक्षेत्र के समुदाय है जो इस देश का जी मंत्री जी का मुख्यमंत्री जी क्या दोनों हाथ उठा के जोर से बोलिए भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के आज के इस नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में आयोजित अवध क्षेत्र की इस रैली में अपना योग्य मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए यहाँ पर उपस्थित आदरणीय अमित शाह जी मोदी जी के समर्थन की संकल्प की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की। ये जन जागरण अभियान दुष्प्रचार कर भ्रम फैलाकर देश को तोड़ने की साजिश करने वालों के खिलाफ जन जागृति का अभियान है जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने करना CAA लेकर आए और इस CAA के खिलाफ ये राहुल बाबा एंड कंपनी ममता अखिलेश जी बहन मायावती कम्युनिस्ट सारी की सारी ब्रिगेड CAA के खिलाफ काऊ 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 काऊ। मैं आज आप सबके सामने कहने आया हूँ ममता दीदी राहुल बाबा अखिलेश जी जिसमें भी हिम्मत है चर्चा करने के लिए सार्वजनिक मंच ढूंढ लो हमारा स्वतंत्र देव आपके सामने चर्चा करने के लिए तैयार। ये बिल के अंदर कहीं पर भी कोई जगह पे भी किसी की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं। ये बिल के अंदर नागरिकता देने का प्रावधान। डायल मोड पर ले लो मिस कॉल देना है 6-2 दबा दीजिए। अब दब गया तो आपका समर्थन मोदी जी के पास पहुंच गया। मेरे पीछे जो जन सैलाब आप इस समय देख सकते हैं ये अमित शाह की रैली में आया हुआ जन सैलाब है। देश के गृह मंत्री अमित शाह आज लखनऊ में मौजूद थे। उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून पर एक जन जागरण रैली का आयोजन किया। इस रैली में लखनऊ और आसपास के क्षेत्र से पार्षद विधायक सांसद BJP कार्यकर्ता और कुछ शरणार्थी आए थे। अमित शाह ने उन्हें CAA को लेकर जागरूक किया और बताया कि इस कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे किसी की नागरिकता ली जाए बल्कि पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए ये कानून लाया गया। प्रोटेस्ट हो रहे हैं पूरे देश में उन प्रोटेस्ट के लिए आपका क्या कहना है? जो लोग हार गए हैं इलेक्शन में चाहे वो लोकसभा के हों चाहे वो विधानसभा के हों वो हारे हुए लोग सत्ता के लालची लोभी हैं वो इसलिए अपना दुख प्रकट कर रहे हैं जगह जगह बाकी उनका कोई औचित्य नहीं है। सभी लोग हमारे जो इतने जो शरणार्थी लोग हैं जो रिफ्यूजी लोग हैं सभी लोग हमारे जो है समर्थन में हैं। हमारे पूर्वज बांग्लादेश से आए तो हम लोगों को ये कभी महसूस ही नहीं कर पाए हम लोग कि हम लोग यहाँ रह पाएंगे या नहीं लेकिन आज की सरकार में हमें ये पूर्ण विश्वास है कि हम यहाँ रह पाएंगे। हाँ शरणार्थी दल से जो प्रताड़ित होकर आए हैं उनको नागरिकता देना है किसी को नागरिकता लेना नहीं है। हम मोदी साहब को अमित शाह को शुक्रिया अदा करते हैं। जो हमारा भारतवासी है जो हमारे आगे अल्पसंख्यक सताया जा रहा है वो जब भी आएगा हम उसको लेने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। जो लोग प्रोसेस कर रहे हैं उन्हें ये नहीं मालूम उन्हें तो एक दरी चादर दे दिया जाता है बोल दिया जाता है जाइए आप वहाँ पर जाइए आपकी नागरिकता खतरे में है। उनको पूरा कानून ही नहीं मालूम कि जो है ये कानून कैसे बना क्या इसके फायदे हैं क्या नुकसान है। अमित शाह अपना भाषण दे चुके हैं और अब रैली अपने अंतिम चरण में है। भीड़ जो लखनऊ और आसपास के इलाकों से आई है वापस लौट रही है। हमने कुछ लोगों से बात की और जाना कि आखिर उनके इस रैली में उपस्थित होने के पीछे क्या कारण है क्या वो इस कानून को समर्थन करते हैं और अगर समर्थन करते हैं
तो कितनी जानकारी उन्हें इस कानून पर है और क्यों समर्थन करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरामैन उमेश शुक्ला के साथ योगेश, लखनऊ।